आधा बड़ी थाली मैंने आज तक नहीं खाई, ऑलमोस्ट खत्म सा कर चुके हैं। चलो जी लेट्स गो। पिक्चर स्पॉट, बहुत लोग यहाँ आके पिक्चर्स खिंचवाते हैं। दिस इज वन वर्ल्ड, नाइट में कितना ब्यूटीफुल दिखता है। दिस इज मेमोरियल जो यहाँ पे यहीं पे थी, वो बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो वो क्रैश हुई थी। इट इज़ वेरी सैड टू सी दिस प्लेस, जब भी मैं आती हूँ मेरे को पता नहीं, आई जस्ट फील रियली सैड। डायरेक्टली लैंडिंग हुई है इंडियन रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है केसर। और ये इंडियन थाली, मतलब इसका जो सिस्टम है वो है इंडियन थाली पे बेस्ड है। देखते हैं क्या क्या है। ये फाइन कुलदीप की थी, कुलदीप कैसी है फाइन? देखो अंदर आके देखो, रिव्यूज अच्छे सुने हैं ना? हाँ रिव्यूज अच्छे। कुलदीप ने रिकमेंड किया था, तो यहाँ पे तो जाएंगे जाएंगे। मैं चलो are you ready to eat maharaja thali? I don't want to eat it. Acha bolo to sahi maharaja thali. Maharaja thali. Mara mara mara. Thank you. Hum logon ne mangwai hai maharaja thali, par uske baad hum logon ne puche agar mummy, main, abhi, agar usme se separate separate place se liye. Tension mein ho gaye hum andar. सिंपल है, मतलब चीज तो जैसी है वैसी ही मजा आता है। चावल है तो सफेद ही चावल स्वाद लगते हैं, ब्राउन राइस ही पसंद आता है, बिना चीनी के नहीं पसंद आता। ये लेक्चर मेरे लिए था क्योंकि मैं इतनी कस्टमाइजेशन कराती हूँ, कहीं भी मैं जाती हूँ अपनी कॉफ़ी ऑर्डर करनी है, कुछ भी ऑर्डर करना है, उसमें कुछ बड़ी बड़ी कस्टमाइजेशन मेरे अकॉर्डिंग स्पेशली शुगर की होती है, क्योंकि मैं शुगर प्रेफर नहीं करती अपनी कॉफ़ी। टी फॉर यू सर। हाँ है तो ये उसी तरीके की चाय। मामा टी फॉर यू। मशीन वाली चाय है, अभी चाय पी के देखो मैंने बनाई। ये ऐसी घर वाली चाय नहीं है, मशीन से तो दीपिक खाना है घर वाली कैसे। हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे अपनी महाराजा थाली की, और उसकी वेट ऐसे हो रही है कि जो बंदी को हमने ऑर्डर दिया था वो कहती है अपनी टेबल बिल्कुल क्लीन कर लो, बिकॉज इट्स गोना टेक लॉट ऑफ स्पेस टेबल में। उसने सब कुछ हमारे यहाँ पे हटा के चली गई है, और अभी हम लोग उसकी वेट हो रही है। और वो बहुत फेमस ही थाली है, हम लोगों ने काफ़ी बार इंस्टाग्राम पर भी चेक करी है। फाइन वैसे कोई देखती थी, पर उसने मुझे पहले जगह दिखा दी। इतनी ज़्यादा बड़ी थाली मैंने आज तक नहीं खाई। 15 है। अब वो आएंगे तो उनसे पूछते हैं। गुजराती कढ़ी, हजारा बैंगन, सेव टोमेटो, चना मसाला, बैंगन भरता, मलाई कोफ्ता, पंजाबी कढ़ी पकौड़ा, गुजराती दाल, मिर्ची भजी वगैरह, भात, बूंदी कढ़ी, सरसों का साग, पाव भाजी, दाल तड़का, दाल मखनी, सांग सवेदा एंड पनीर। थैंक यू। मैंने वैसे अपनी प्लेट चेंज करी है, मैंने इतने पेट भर के खाना खाएगी, एक मेरी पूरी प्लेट मतलब चाय भी लग रहा है, धो के आई हो मैंने, दो चार दाने चावल के भी लगे हुए थे इधर उधर। मैं बहुत ध्यान से खाती हूँ, तड़का मुंह पे ही लगा दिया। मैं तुम्हारी तरह रही हूँ, घर खुद शीशे की होते हैं, दूसरे में पत्थर नहीं फेंकते राइट। बट हमने काफी डैमेज किया, दिखा दूँ डैमेज? डैमेज करो, डैमेज इज ऑलरेडी बीन डन। मतलब सब कुछ ही हम ऑलमोस्ट
खत्म सा कर चुके हैं। प्लेट उधर ना दिखी किसी को कि मैंने कितना ज्यादा डैमेज, मतलब पता चलेगा प्लेट देखी तो। बट यस, फूड इज ऑसम, बहुत ही अमेजिंग खाना था। शायद ऐसी कुछ चीज जो हमने टच ना करी हो, हमने आई डोंट थिंक कोई है। 15 तरह की सब्जियां थी उसमें, एपेटाइजर्स अलग थे 15 सब्जियों के अलावा, उसके साथ आके डेजर्ट्स थे, बट अमेजिंग छाक, अमेजिंग। तो यहाँ पे जो लोग इंडियंस रहते हैं उन्हें तो पता होगा, जो यहाँ पे वैसे आ रहा हो जिसे ना पता हो तो यहाँ पे जरूर आना। दिस प्लेस इज कॉल्ड केसर। अभी भी नीनू आ रही है, अभी हाँ पर हवा बहुत चल रही है, कुत्ती भी से कवर कर रहा हूँ ब्लैंकेट से। तो हम लोगों का, हम लोग अपना लेट लंच करके आ गए हैं वापस अपने होटल में, और होटल का हवा ये रहा, और हवा बहुत जोरों शोरों से। हमारे सामने येलो टैक्सी, सब लोग दर्शन कर लो, राम राम, द फेमस येलो टैक्सी ऑफ न्यूयॉर्क। नो लिफ्ट में ऊपर नीचे, मतलब यहाँ से हम लोग जैसे नीचे से ऊपर आते हैं तो ज़रूरत पड़ेगी कार्ड की, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ज़रूरत ही पड़ेगी। या मैंने चेंज कर लिया है ऑल इनटू माय रिलैक्सिंग क्लोथ, वन ही है। अच्छा हाँ, तो हम लोग नीचे जा रहे हैं, मम्मी, मैं और अबीर, हम लोग जा रहे हैं नीचे। कुलदीप ऊपर है, आर एन हो रहा था, कुलदीप वाज सेइंग कि मैं ना ऐसे चुप करा के फिर आता हूँ लेके। अब नीचे आ गए, हमें लगा थोड़ा सा हम लोग नीचे वॉक कर लेते हैं, घूम लेते हैं, और हमारा प्लान है वन वर्ल्ड, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वन वर्ल्ड जाने का। तो पापा आ रहे हैं, हवा आ गई है, उठाते लाता हवा। हम लोग अपना प्लान कर रहे हैं वन वर्ल्ड जाने के लिए। देखते हैं अभी, या तो क्रूज शिप से जाएंगे जो मिनी क्रूज शिप होती है, या फिर हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से। सुबह ऐसा सीन है यहाँ का। चलो अभी से हेलो, दे आर नॉट मैंगो चिकन। अभी ये बच्चे आजकल के, पता नहीं इसी क्लास में सब लोग एक दूसरे को ये बोलते हैं, मैंगो चिकन। ये आपका मैदान है जहाँ बोलोगे हम सेवक कितना वहाँ हाजिर हो जाएंगे। हिसाब से भीड़ यहाँ पे मुझे कम लगती है। अक्षरधाम हम गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत क्राउडी था आज, बट यहाँ पे संडे में इवनिंग में इतना नहीं है। मामा अभी कौन सा गेम है, मैं तब से देख रही हूँ इसे, ये एक गेम खेल रहे थे। ये भी रिवर आपको नजर आ रही है, बट जो ये ब्रिज बना रखे उन्होंने वुडन पैनल लगा के, दिस इज राइट ओवर हडसन रिवर। क्या गेम है इसका नाम? स्ट्रेट एंड ओवर जंप। Yeah, oh, that is, you go straight, then jump. अभी देखो, मैंने आपको बहुत दूर बोला है, मामा ने कि टच मत किया करो, आपके कपड़े भी टिक डर्टी हुए अभी। बच्चों के साथ ट्रैवल करना, उन्हें समझाना, मतलब सीरियसली बहुत मुश्किल है। आई नीड हेल्प। एक बेटा मेरा सो रहा है, वापिस चलो तुम लोग इंडिया आना। अभी आपका पर्स ही होटल रूम में ज्यादा ठीक है।
वो सब तो ले आए। तो हम लोग यहाँ पे हैं ऑक्यूलस में, हम लोग डायरेक्टली ट्रेन स्टेशन से उतर के ऑक्यूलस उतरे हैं। और ऑक्यूलस जो है इस अंडरग्राउंड मॉल, पूरा शॉपिंग मॉल है ये अंडरग्राउंड है और इसके ऊपर है रोड चलती फिरती। बड़े बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पे, लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। उधर अब मिस्टर सिंह आरन को सुला रहे हैं, अबीर प्राइम के साथ खेल रहा है, मम्मी हमें देख रही हैं और हम बना रहे हैं यहाँ पे ब्लॉग। सारा ही वाइट वाइट है आज, मुझे लगता है आज हम सारा कुछ वाइट 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 देख रहे हैं। सुबह अक्षर काम का है वो भी वाइट साइड, दिस इज ऑल्सो वाइट इन कलर बट दिस इज सुपर्ब। अबीर इज होल्डिंग Cramp. But Aaron is not inside. So you guys can see the beauty. This is the beauty. This is a picture spot. बहुत लोग यहाँ आके pictures खिंचवाते हैं। बाहर आ गए और बाहर हम लोग आ गए हैं memorial के पास, जो कि मेमोरियल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की याद में बनाया गया था। अभी हम लोग वहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, वो यही है सड़क क्रॉस करके। इवन अभी डिपो था कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट वे, तो क्योंकि वहाँ पे लिफ्ट नहीं थी और लिफ्ट के बगैर प्राम कैसे लेकर आ सकते थे, तो इसलिए फिर मम्मी और मैं इधर से आए। वक्त कितना सुंदर लगता है ना, लाइट 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 और बैटरी, इट लुक्स ब्यूटिफुल। आप लोग देखो कितनी हैपनिंग लाइफ है, नाइट में भी ऐसा नहीं है कि दिन दिन में ही होता है। लास्ट टाइम आई रिमेम्बर जब मैं आई थी तो मैंने ये एरिया कवर नहीं किया था। यू गाइस कैन सी दिस इज वन वर्ल्ड, नाइट में कितना ब्यूटीफुल दिखता है। दिस इज अमेजिंग अमेजिंग व्यू, दिस इज सो बेड सो बेड। Abir, where were you? I was looking for you, Abir. No touching, no touching, no touching. What? यहाँ भी बहुत सुंदर एक wall है, you guys can see. एकदम ही कितनी colorful सी है. यहाँ भी मैंने बहुत pictures खिंचवाई हैं, guys. मैंने बहुत खिंचवाई हैं. जब भी night time है और मेरा मन भी नहीं कर रहा pictures करवाने का. हाँ तो मौसम भी ऐसा हो रहा है, बादल. Night में कैसे आ रहे हैं एकदम? खूब डरावने से लग रहे हैं मुझे तो ये. अब हम लोग जा रहे हैं मेमोरियल की तरफ, जो कि उन लोगों की याद में बना था जब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्रैश हुआ था। और इट इज़ वेरी सैड टू सी दिस प्लेस, जब भी मैं आती हूँ मेरे को पता नहीं, आई जस्ट फील रियली सैड फॉर दोज। एंड सीरियसली आई मीन काफ़ी बुरा था, काफ़ी एकदम दर्दनाक हादसा था। दिस इज़ मेमोरियल, तो यहीं पर इसी जगह पर इसी लोकेशन पर एग्जैक्टली बिल्डिंग थी जब वो क्रैश हुई थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली, जिसकी जगह पे वन वर्ल्ड बनाया था। वन वर्ल्ड इज दस वन दिस बिल्डिंग। और ये जो बिल्डिंग क्रैश हुई थी इस जगह पे, यूएस गवर्नमेंट ने फिर दोबारा कुछ भी नहीं बनाया इसको एज अ मेमोरियल। वो लोग दिखाते हैं उन लोगों की याद में, लोगों को हम लोगों ने खोया था। और ये हैं यहाँ इन लोगों के नाम हैं जो जो लोग उस हादसे में, यू नो इट्स वेरी सैड टू सी। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मैं थोड़ा सा सैड महसूस करती हूँ। दिस इज मेमोरियल और इसके आगे दो मेमोरियल बनाए थे क्योंकि दो बिल्डिंग्स क्रैश हुई थी। एक तो ये वाली थी जो मैंने अभी आप लोगों को बताई इसके बारे में, एक और है जिसके साथ इन्होंने बनाई है, वो भी एज अ मेमोरियल इन लोगों ने रखा है उन लोगों की याद में। और वहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं, जब जब उनका बर्थडे आता है वहाँ एक टावर लगाया जाता है। सो ये स्टोरी है इन दो मेमोरियल्स की। दिस इज़ द सेकेंड मेमोरियल और यहाँ पे ही उन सब लोगों के नाम लिखे गए हैं। तो हम लोगों ने अभी मेमोरियल देखकर हम लोग अंदर आ गए हैं। अब हम लोग ट्रेन के टिकट ले रहे हैं। यस मौसम बहुत खराब था बच्चों की वजह से, बट हमें लगा जब आए तो थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो थोड़ा बहुत न्यूयॉर्क से हम लोगों ने गेड़ी मारी, मेमोरियल देखा। आज तो मम्मी से बहुत रोया है,
बहुत ज़्यादा इतना रोया गाइस, इतना रोया कि हम लोगों को ना लिटरली ना जो चीज़ें एक दो चीज़ें और हमें देखनी थी, प्लान कर रखी थी हमारे आज के उसमें था, प्लान कर रखा था कि आज वो चीज़ें कवर करेंगे, पर भाई साहब ने जो शोर मचाया है ना, पूरी ट्रेन में शोर मचाता है, पूरी ट्रेन में, और लिटरली हम लोगों को बैठने की सीट भी नहीं मिली थी। तो आई एम थिंकिंग इसको ना होटल में ले जाती हूँ ताकि थोड़ा सा बेड पर लेट जाए, खुला ले देगा तो यू नो बच्चा काफ़ी देर से प्राम में भी बंदा 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 थोड़ा परेशान हो जाता, नज़र लगी है काफ़ी, नज़र भी हो सकती है, हम सही कह रहे लोग सब इसको रोक लेते थे, दिखाना आँखों में नींद है, क्यूट क्यूट, हाँ तो अब यहाँ आँखों में नींद है, नज़र है, जो भी इसकी नज़र उतार रही है मम्मी आज, सब लोग इसे आके पता है मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग आके मिले हैं और सबको देख के स्माइल करता है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है जैसे मम्मी कह रही है कि नज़र नहीं। बस अब यहीं पे हम लोग जा रहे हैं, यहीं पर हम लोग स्टे कर रहे हैं हम लोग, कुलदीप खाना ऑर्डर हो गया ना, क्या देख रहे हो बेटा? अबीर का ना हेयर स्टाइल ऐसे बना है, आई एम देख रहा हूँ एलेक्स, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, आई एम देख रहा हूँ एलेक्स। तो ये आज हम लोगों ने अक्षरधाम से ना कुछ कुछ सामान लिया था, मैं काजू कतरी केसर भी लिया था, पता नहीं कैसी होगी लेकिन यू डू द ऑनर्स, देखने में तो ठीक लगी बाकी। सिंह भुजिया देखो, बस एच की कमी है बट सिंह भुजिया, हाँ ये सींग है, सींग बेसिकली पीनट्स को कहते हैं। अच्छा सींग, खाखरा सींग है, मैंने लिया है मैंने रागी बीटरूट का, पर कुलदीप इनके प्राइसेस बहुत अच्छे थे यार, मुझे पता होता ना मैं और सामान भर के लेकर आती। स्नैक्स का ये चारू फाली, पता नहीं क्या है चारू फाली खाखरा, देखो मैं तुम्हारा कितना ध्यान रखती हूँ, खिचड़ी मसाला लिया मैं तुम्हारे लिए, खिचड़ी खाना तो मुझे बनाई, कुलदीप को खिचड़ी बहुत पसंद है, खिचड़ी मसाले ऑलरेडी है हमारे पास। देखो किसी चीज को अप्रिशिएट मत करना कि तुम वहाँ से मेरे लिए खिचड़ी मसाला लेकर आई, तुम मेरे लिए काजू कतरी की खिचड़ी सबसे बेस्ट बनती है, ये देखो मतलब वापस दे दो इसको ना, वापस चाहे फेंक के जाना पड़े तो फेंक के जाऊंगी मैं। और मैंने लिया है श्योना हॉट मिक्स करके, ये लिया ये, तो ये सारी चीज़ें मैंने ली साथ। तो इसी के साथ मैं करूँ अपने इस व्लॉग का एंड, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग देख के अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में।